तो ये मुख्य रूप से जेपीएस सी 2016 की जो पीटी परीक्षा थी उसमें परीक्षा फल घोषित किया गया था। इसमें कुछ अभ्यर्थियों का शिकायत इस प्रकार से आया था कि उनको अधिक मार्क्स होने के बावजूद भी उनका पीटी में चुनाव नहीं हो पाया। इस सब्जेक्ट पर हम लोगों ने महाधिवक्ता की राय ली कि इस तरह के केसेस पे क्या किया जाए। उनकी सलाह के आलोक में आज मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि जो आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार या अभ्यर्थी हैं जिनका प्राप्तांक अनारक्षित अभ्यर्थी जिनमें दिव्यांग को छोड़ करके यदि उनके बराबर होगा या उनसे अधिक होगा तो उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए वे लोग सफल माने जाएंगे। और तो पहला प्रस्ताव जो मंत्रिपरिषद ने जिस पर अनुमोदन दिया है वो ये है कि आरक्षित श्रेणी के वैसे उम्मीदवार या अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक अनारक्षित श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्टेड किए हुए 15 गुना अभ्यर्थियों जिनमें दिव्यांग श्रेणी को छोड़ करके अंतिम स्थान पर स्थित अभ्यर्थी के प्राप्तांक के समान हो अथवा अधिक हो वैसे सभी उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए सफल माने जाएंगे। दूसरा जो प्रस्ताव है वो ये है कि इस संबंध में पूर्व में जो विभागीय संकल्प 3143 दिनांक 13 अप्रैल 2016 जिसमें प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों की संख्या संसूचित रिक्तियों का 15 गुना होना था उसको इस हद तक संशोधित समझा जाएगा। और लास्ट ये है कि ये उन पर प्रभावी होगा जो भविष्य में परीक्षाएं ली जाएंगी ताकि फिर कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो। ये बार से लागू होगा, इस बार नहीं, जो हो नहीं, गया। ये इसी परीक्षा फल से ये लागू हो रहा है 2016 का। लेकिन जो अन्य परीक्षाएं जो मिडवे चल रही हैं उन पर ये लागू नहीं होगा। तो जो अन्य परीक्षाएं जिनमें कि अब एडवर्टीजमेंट्स प्लेस किए जाएंगे उनमें अगर वो पीटी में इस तरह की कोई व्यवस्था होती है तो उस पर ये लागू माना जाएगा। 50% ही मतलब हो जाएगा उसको। 15 times ये सभी परीक्षाओं में कि खाली जेपीएससी? नहीं, सभी परीक्षाओं में, यानी भविष्य की सभी परीक्षाएं जो इसके बाद जिनमें एडवर्टीजमेंट निकलेगा और जिनमें पीटी की व्यवस्था होगी जी। तो उसमें ये अनारक्षित से ज्यादा रहने पे वो मैम इसको इसको आम भाषा में अच्छा कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर मैं भी जोड़ दूं, फाइनली आप बताएं ये कट ऑफ मार्क्स जो है ये कोई डिसाइड नहीं किया, दिस इज नंबर वन। और ये जो आप लोग निर्णय लिए थे कि 15 times जो है ज्यादा पीटी में होगा वो उस चीज को से क्लैरिफाई कर दो, हाँ ठीक है, परमानेंट है या टेंपरेरी? और जनरल चैलेंज के एवरीबॉडी को चुका जी। क्या चीज? दिव्यांगों को ये हाँ, बेनिफिट क्यों नहीं? नहीं, दिव्यांगों को भी बेनिफिट रहेगा। एक सेकंड, पहली चीज ये है कि ये 2016 जेपीएससी की परीक्षा पर ये लागू होगा लेकिन जो अन्य परीक्षाएं जो चल रही हैं मिडवे हैं उन पर ये लागू नहीं होगा। लेकिन ये उन पर लागू होगा जो कि भविष्य में जिनका एडवर्टीजमेंट निकलने वाला है और जिनमें कि प्रिलिमिनरी टेस्ट की व्यवस्था है।
तो ये एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि कट ऑफ मार्क्स निर्धारित नहीं होता है। एक्चुअली जब हम लोगों ने 15 गुना शॉर्टलिस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो हमें नहीं मालूम कि लास्ट व्यक्ति एक्चुअली किस प्राप्तांक से सफल होगा, लेकिन हर कैटेगरी का मिनिमम क्वालिफिकेशन निर्धारित रहता है। तो अनारक्षित का एक कैटेगरी है, एससी एसटी के अलग अलग कैटेगरी हैं, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि वो मिनिमम क्वालिफिकेशन वो उसे अर्जित करना है, लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग के लिए हो सकता है उससे और अधिक उसका आए। तो ये व्यवस्था की गई थी कि चूंकि मेंस और इसके बाद इंटरव्यू होता है तो इसमें सब कैटेगरी के लोग जो हैं उनका बराबर से उनकी भागीदारी हो। ऐसा ना हो कि अगर शुरू में ही कुछ लोगों को आपने बाहर कर दिया तो फाइनल रिजल्ट में उस कैटेगरी की रिक्ति रह सकती है। इसी चीज़ को हटाने के लिए 15 गुना का व्यवस्था किया गया था। अब इसमें चूंकि निर्धारित कोई कट ऑफ नहीं है, इसलिए जब पहले हम लोग यूआर का यानी अन रिजर्व्ड का हम लोगों ने जो भी लास्ट व्यक्ति है उसका जो भी प्राप्तांक है उसके समान यदि आरक्षित श्रेणी में किसी को भी या तो उसके समान मिलेगा या उससे अधिक तो उन सभी को ले लिया जाएगा। फ्यूचर में जितने पीटी होंगे जेपीएससी के उसमें ये तरह से एप्लीकेबल, हाँ ये एप्लीकेबल होगा। ये डिसीजन कोर्ट के ऑर्डर के बाद इम्प्लीमेंट होगा या ऐसे ही हो जाएगा? ये मामला, हाँ ये मामला कोर्ट में है और जो आज का डिसीजन हुआ है उसको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। हाँ दिव्यांगों का, हाँ एक्चुअली क्या है कि दिव्यांगों का प्रत्येक कैटेगरी में जैसे कि अनारक्षित वर्ग में भी हमें पीएच चाहिए, हमें अनुसूचित जाति में जनजाति और सभी कैटेगरी में हमें ये दिव्यांगों का अलग से रिजर्वेशन होता है, लेकिन उनका जो कट ऑफ है वो बहुत लो होता है। इसीलिए जो जनरल जो कैटेगरी के अंतर्गत जो लास्ट व्यक्ति का जो प्राप्तांक है उसको इसमें लिया जा रहा है। नहीं बात हुई, जो श्रेणी बटी हुई थी एक जनरल था एक रिजर्व था, रिजर्व श्रेणी में अगर किसी को जनरल कैटेगरी के बराबर जो लोएस्ट मार्क्स है या हाईएस्ट मार्क्स है वो अगर आया है तो वो क्वालिफाई माना जाएगा। दैट इज वेरी सिंपल पॉइंट। एकदम सिंपल। मतलब एक मिनट, वैसे अनरिजर्व कैंडिडेट जिनका मार्क्स वगैरह रिजर्व कैंडिडेट के सबसे लोएस्ट के बराबर या उससे ज्यादा हो वो क्वालिफाई माने जाएंगे इसके लिए? नहीं नहीं, अनरिजर्व जो है उसके लिए तो कोई आरक्षण नहीं है, वो तो अनारक्षित है। रिजर्व का कहना है कि वैसे रिजर्व कैंडिडेट जिनका मार्क्स जो है अनरिजर्व के मिनिमम के बराबर या उससे ज्यादा होगा वो क्वालिफाई माना जाएगा। एकदम बहुत बढ़िया। आगे आने वाली परीक्षा में वही चलेगा बस, वीडियो में जो परीक्षा उसमें, हाँ, उसमें ये लागू नहीं होगा। तो क्या एसएससी में भी होगा? सभी जगह पे, जहाँ पे पीटी की व्यवस्था हो, जहाँ भी पीटी की व्यवस्था। निश्चित तो मतलब प्रेस रिजल्ट जारी हो, नए लोग जी जी सो दैट्स इट। थैंक यू मैम। चलें आगे चलें है अरे भाई मैं बोल दूं दोबारा, ये सीधी सी बात है। आपने जो देखा कि अभी ये जो आप ये कुछ रिजर्व कैटेगरी के ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनका जनरल से ऊपर जो जनरल का कट ऑफ है उससे ज़्यादा मार्क्स, इसमें ये कहा गया है कि जो अनारक्षित श्रेणी जो आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जिनका कट ऑफ मार्क्स आरक्षित अनारक्षित श्रेणी के बराबर है उनके जो कट ऑफ मार्क है उसके बराबर या उससे अधिक हैं उन सबको मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा। ये हाँ वो पीटी पास माने जाएंगे, इसमें इस परीक्षा में भी लागू होगा और आने वाली परीक्षाओं में भी लागू होगा। और जो दिव्यांग वाली बात है वो तो क्षितिज उसमें होता है क्योंकि उस कैटेगरी में आता है। मान लो उस कैटेगरी में वो क्योंकि वो कम होते हैं इसलिए जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मान लो वो भी होगा तो उसको भी वो तो मार्क्स तो जिसके ज्यादा होंगे फंडामेंटली है कि जिसके कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा है तो उनको मिलेगा, तो कम में ही हो जाता है।
लेकिन इनकेस कोई केस आ जाता है, इश्यू नहीं था, दिव्यांग को जोड़ने का इश्यू नहीं, इश्यू नहीं था वो तो, चूंकि सबके लिए है संशोधित रिजल्ट भी आया नहीं, ये 18 नहीं तो 13, ये 15 था, 15 ये 15 प्रस्ताव था अभी, सॉरी यार सॉरी, ये जिसका है सो कृपया दोबारा कर, अब इस मैं फिर पुनः आप को चालू करता हूँ। हाँ, जैसे मैं पुनः दोहरा देता हूँ, आज 18 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें पहला प्रस्ताव उद्योग विभाग का था, उसमें जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ था उसके लिए 20 करोड़ की राशि पीएल अकाउंट के बजाय सेविंग बैंक में रखी गई थी, उसकी घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है, क्योंकि ट्रेजरी कोड अलाउ नहीं करता कि सेविंग बैंक में पैसा रखना, अप्रूवल दिया गया है, ये घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है, पिछले साल का मामला है, पिछले वित्तीय वर्ष का। दूसरा प्रस्ताव गृह कारा विभाग का है, जिसमें झारखंड राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकार नियमावली 2017 का गठन किया गया था, झारखंड राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकार नियमावली 2017, ये प्राधिकार अभी हाल में काम चालू किया है, जो कि डीएसपी या उससे ऊपर के पदाधिकारियों के संबंध में जो शिकायत आती है उसकी सुनवाई करता है, इसकी जो नियमावली है उसकी घटनोत्तर स्वीकृति दी गई, हाँ उसके लिए प्राधिकार बनाया, नहीं शिकायत ये भी घटनोत्तर है, ये लागू हो गया लेकिन उसकी घटनोत्तर मंत्रिपरिषद के समक्ष आज रखा गया था। तीसरा प्रस्ताव है, यद्यपि इसको स्थगित कर दिया गया है, मानकी मुंडा ग्राम प्रधान और डकुआ की जो मानदेय की राशि थी उसमें वो बढ़ोतरी का प्रस्ताव था, लेकिन इसको पुनर्विचार करके फिर बढ़ाने का लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। चौथा प्रस्ताव वाणिज्य कर विभाग का है, जिसमें आरएएफ जमशेदपुर, रैपिड एक्शन फोर्स जमशेदपुर की बटालियन और सीआरपीएफ तिरिल आश्रम की जो कैंटीन है उसको वैट से मुक्ति पर अगले एक साल के लिए स्वीकृति दी गई है। हर साल के लिए होता है, एक साल के लिए होता है, नहीं नहीं विभिन्न एक्चुअली सीआरपीएफ बीएसएफ आर्मी कई तरह की जो पैरामिलिट्री और आर्मी की जो यूनिट्स हैं उनके प्रस्ताव आते हैं, तो आपको देखा होगा कि पिछले कैबिनेट में भी आया था और कैबिनेट में ये रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ दो बटालियन का है उनका प्रस्ताव है, उस पर स्वीकृति आज दी गई। पांचवा है झारखंड राज्य के शहरी स्थायी निकाय हेतु झारखंड किफायती शहरी आवास नीति 2016, झारखंड किफायती शहरी आवास नीति 2016 में आंशिक संशोधन के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। इस नीति की कंडिका 5 में क्रम 6 में जोड़ा गया है लॉयर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें कई इसकी जो नियम 5 है उसमें जैसे मेंबर ऑफ हायर एंड सबॉर्डिनेट जुडिशरी MPMLA की सोसाइटी, ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर की सोसाइटी, स्टेट गवर्नमेंट की सोसाइटी, पर्सनल ऑफ डिफेंस सर्विसेज की सोसाइटी, ये 5 उसमें वर्णित था, तो उसमें लॉयर कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी जोड़ने का उसको जोड़ दिया गया है। छठा प्रस्ताव है पेयजल स्वच्छता विभाग का, जिसमें डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट से प्राप्त होने वाली राशि से
बोकारो, धनबाद, चायबासा और रामगढ़ जिलों में कुल 26 पेयजल आपूर्ति की योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिसकी कुल राशि है 1050 करोड़। जगह कौन कौन सा है? बोकारो, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, चायबासा जिलों में 26 पेयजल आपूर्ति योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिसकी कुल प्राकलित राशि 1050 करोड़ है, और ये राशि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट से प्राप्त होगी इन जिलों को, और ये वर्ष 17-18 से 19-20 अगले 3 साल में क्रियान्वित होंगी। सातवां प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग का है, जिसमें 27/4/2017 को विशेष सत्र विधानसभा का आहूत करने पर स्वीकृति दी गई है। 27/4/2017 को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई है। ये इसमें जो स्टेट जो ये है झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम को उसमें रखा जाएगा। आठवां है वाणिज्य कर विभाग का, जिसमें बेगम जान फिल्म को मनोरंजन कर से मुक्त करने पर स्वीकृति दी गई है। बेगम जान फिल्म को मनोरंजन कर से मुक्त करने पर स्वीकृति दी गई है। नौवां प्रस्ताव है पूरे राज्य में जो जल संसाधन विभाग का है, जिसमें लघु सिंचाई क्षेत्र की योजनाएं, जिसमें आहार बांध, मध्यम सिंचाई योजनाएं, कुल 348 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिसमें 195.66 करोड़ की राशि खर्च होगी। 348 योजना के लिए, योजनाओं के लिए 195.66 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। दसवां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग का है, जिसमें झारखंड राज्य में स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और अन्य जो जिले की सड़कें हैं उन पर राइट ऑफ वे उसमें कोई यूटिलिटी के लिए अनुज्ञप्ति देता है, मान लो कोई सेवा उसमें, जैसे सड़क पर कोई दूसरा विभाग कोई सेवा के लिए कोई जमीन लेता है तो उसकी जो फीस है उसका पुनर्निर्धारण किया गया है। पहले ये फीस थी जैसे ग्रामीण क्षेत्र में 250 रुपया वर्ग मीटर, नगरपालिका क्षेत्र में 500 रुपया वर्ग मीटर, और शहरी क्षेत्र जो बड़े शहर हैं उनमें 1000 रुपया वर्ग मीटर प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से फीस ली जाती थी। अब इसको सबको सरल करते हुए 340 रुपया प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया, उसमें सब ये भेदभाव मिटा दिया ग्रामीण शहरी सबका। नहीं, जैसे मान लो आप केबल बिछाते हैं कुछ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी रोड मुख्य सड़क है उस पर मान लो कुछ ऐसा काम करता है, या कोई पाइपलाइन बिछाते हैं तो उसका जो उपयोग करता है जिसने क्षेत्र उस पर वो लाइसेंस फी लगती है। सर, वो बनाने के लिए होता है ना, दोबारा बना देने के लिए होता है ना उतना पैसा। ये फीस के लिए है, क्योंकि मान लो परमानेंट जाएगी तो वन टाइम है या पर एनम? ये तो पर एनम। रेंट पे इसी प्रकार पथ 11वां प्रस्ताव भी पथ निर्माण का है, जिसमें सरायकेला खरसावा जिला में कांदरबेड़ा से दो मुहानी पथ जो है उसकी कुल लंबाई है 7.722 किलोमीटर, इसके पुनरीक्षित कांदरबेड़ा से दो मुहानी जमशेदपुर
मैरिन ड्राइव पे मिलता है 7.772 किलोमीटर। इस पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति है, पहले 39.4 करोड़ की थी, वो अब 103.59 करोड़ की हुई है, जिसमें भू अर्जन और अन्य यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि 103.59 करोड़। रोड और पुल उसमें है, उनके पुनरीक्षित प्राकलन बारहवां प्रस्ताव है नगर विकास और आवास विभाग का, जिसमें हजारीबाग पेयजल आपूर्ति योजना के लिए 300.01 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। हजारीबाग शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 300.01 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। तेरहवां प्रस्ताव है वो स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग का है, जिसमें राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में पीजी पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु विभागीय संकल्प निर्गत किया गया था, जिसके तहत जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो डॉक्टर काम करते ने किया है उनको पीजी में नामांकन के लिए 10% अधिकतर 30% की छूट दी गई थी। 10% प्रति साल, एक साल यदि काम किया 10%, लेकिन अधिकतम 30% की छूट दी गई थी, छूट दिए जाने के प्रस्ताव के संबंध में संकल्प निकल गया था, उसकी घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। चौदहवां प्रस्ताव वाणिज्य कर विभाग का है, जिसमें झारखंड माल और सेवा कर विधेयक 2017, झारखंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अधिनियम 2017 को झारखंड विधानसभा में पुनर्स्थापन के संबंध की झारखंड विधानसभा में रखने की स्वीकृति दी गई। स्टेट जीएसटी झारखंड। पंद्रहवां कार्मिक विभाग का था, जिसको विस्तार पूर्वक आपको बता दिया गया है। सोलहवां वित्त विभाग का है, जिसमें 1/1/2016 से 1/1/2016 प्रभावी राज्य सरकार जो पे कमीशन लागू हुआ है उसमें 1001 जो केंद्रीय कर्मियों के लिए और राज्य कर्मियों के लिए जो वेतनमान लागू हुआ है उसमें 1 जनवरी 2017 से 2% महंगाई भत्ते सातवां वेतनमान। सातवां वेतनमान वालों में 2% की जो वृद्धि हुई है 17 से वो 1 जनवरी 2017 से लागू, जनवरी 2017 से, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा कर दिया गया तब यह लागू हुआ है। इसी प्रकार जनवरी 2017 से 2% महंगाई भत्ता बढ़ गया है, वो लागू होगा। इसी तरह पेंशन कर्मियों के लिए भी स्टेट अब तो स्टेट में भी लागू हो गया ना। नहीं, 1 जनवरी 2016 से बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन ये जो महंगाई भत्ता है ये जनवरी 2017 से 2% जो वृद्धि की गई है तब से बढ़ गई। इसी प्रकार 17वां है, सॉरी 17 ही है, अरे मैं गलत बोल गया, 17 ही है, सॉरी I stand corrected, ये 17 ही है, नहीं उसको मिला के 17 है, कुल 17 ही था। 17वां भी है, वो पेंशन कर्मियों के लिए 2% जो दिए वृद्धि। 16वां या 17वां वो ये हो गया, पहला रेगुलर वाला, दूसरा पेंशन कर्मी, पेंशन वाला भी 2%। हाँ वो भी 2%, पेंशन वालों को भी 2%। हाँ हाँ पेंशन वालों को भी 2% महंगाई भत्ता। हाँ पारिवारिक थैंक यू। अच्छा आप, हाँ
आप जो कहेंगे किस किस का दे दो मुझे याद है। एक जेपीएससी दे दीजिए। हाँ, एक तो पेयजल आपूर्ति का दे देते हैं, एक जेपीएससी का दे दे, हजारीबाग शहरी जल आपूर्ति का दे देते हैं और वो 300 करोड़ का है, है? और एक इसका भी दे देते हैं जल संसाधन विभाग। आज की बैठक में कुल 17 प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे गए, जिसमें महत्वपूर्ण था कार्मिक विभाग का, जिसमें जेपीएससी परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी जो आरक्षित श्रेणी में हैं और उनका कट ऑफ अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान या उससे अधिक मार्क्स उनके हैं, तो उनको मुख्य परीक्षा के लिए, वो मुख्य परीक्षा में उनको शामिल वो हो सकेंगे और ये आगे की आने वाली परीक्षाओं में भी ये लागू होगा। इसी प्रकार दूसरा प्रस्ताव जो महत्वपूर्ण है वो पेयजल और स्वच्छता विभाग का था, जिसमें बोकारो, धनबाद, रामगढ़ और चायबासा, इन चारों जिलों में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट से प्राप्त होने वाली राशि से 26 जलापूर्ति योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस पर कुल अगले 3 सालों में 1,050 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तीसरा प्रस्ताव जल संसाधन विभाग का है, जिसमें पूरे राज्य में विभिन्न आहार बांध और मध्यम सिंचाई योजनाएं की स्वीकृति दी गई है। कुल 348 ऐसी योजनाएं जिनकी स्वीकृति दी गई है और वो उस पर 195.66 करोड़ की राशि खर्च होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज हजारीबाग शहरी जलापूर्ति योजना के लिए पारित हुआ है, जिसमें 300 करोड़ रुपया हजारीबाग शहरी जलापूर्ति योजना पर खर्च किए जाएंगे। धन्यवाद।